डालें, थोड़ा सॉल्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून सॉल्ट के बाद ये जो लज़ानिया की शीट्स हैं इसको हमें बॉईल करना है, एक एक करके डालना है तो ताकि वो चिपके ना एक दूसरे से, वो ख़राब हो सकते हैं, एक एक करके करना, बड़े एहतियात से करना पड़ता है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मिंस के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। 1 टीस्पून पेपरिका, 1 टीस्पून वाइट पेपर और 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 मीडियम अनियंस फाइनली चॉप, ये मैंने 1 बनाना चिली ली है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल चिली भी यूज़ कर सकते हैं 1 टेस्ट के लिए। सबसे पहले इसको गरम करेंगे हम, इसके अंदर ऑयल हमें तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल की जरूरत है। जब ऑयल गर्म हो गया था उसके अंदर हमें सबसे पहले चॉप की हुई प्याज डालनी है और साथ ही ये मिर्ची, इसके अंदर हम ये मिंस डाल देंगे और उसी मिंस के साथ हम ये मसाले जो आपको बताए थे वो सब डाल दीजिए और साथ ही अदरक लहसुन। डाल के इसको चलाना है हमें अच्छी तरीके से, इसको मिक्स करना है। नमक आप उस पर जायका दें, इसको पूरा नहीं डालना हमें, हाफ तकरीबन हाफ
मतलब 6-7 टेबल स्पून सेवन टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट। आप घर में भी बना के इसको पेस्ट डाल सकते हैं, मैंने रेडीमेड लिया। आप टोमेटो पीस के भी डाल सकते हैं। टोमेटो का पेस्ट 7 टेबल स्पून, बड़े चूल्हे काम से जल्दी हो जाए। रेडी है, इसको बिल्कुल आराम से निकालना है कि ये टूट नहीं जाए, बहुत केयरफुली इसको हमें इस तरीके से बिछा जब तक इस तरीके से देखिए कितने अच्छे तरीके से ओवन को आप पहले से प्री हीट रखें तकरीबन 200 पे। जब इसको हम कुक करने रखेंगे ओवन में तो आपको 180 पे करें। देखिए कुक होने के बाद कीमे की इस तरीके से दिखेगा मिंस। ये हमारा मिंस रेडी हो चुका है। अब हम इसको मैं आपको इसको बिछा कर दिखाती हूँ इस तरीके से। इसके ऊपर से आप कीमा डालने के बाद पहले शीट्स डालिए, फिर उसके बाद मिंस डालिए। मिंस डालने के बाद कुछ और शीट्स उसको ऊपर से यू करके देखिए कवर कर दीजिए बाकी शीट्स, हाफ नीचे डालें और हाफ ऊपर कीमे के मिंस के। देखिए इसको इस तरीके से, फिर इसके ऊपर हम डालेंगे चीज। देखिए इस तरीके से चीज से कवर कर, हमें ये तकरीबन कितनी लेने हैं, मैंने ली है 250 ग्राम चीज चाहिए हमें
आप थोड़े ज़्यादा भी ले सकते हैं, 300 ग्राम तक, ऐसे जितनी आपको पसंद है उतना आप यूज़ कर सकते हैं चीज़। मैंने थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ऊपर से, इस तरीके से अब इसको हम इसके ऊपर डालेंगे। आपको दिखाती हूँ, ये आप इसके ऊपर चीज़ के बाद ऑरिगन लीव्स, इसको आप थोड़ा डाल दें खुशबू के लिए, इससे अच्छा बनता है पास्ता पिज़्ज़ा हो उस पर आप इसको डालिए, बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद आप ये देखिए, मैंने पहले से ओवन को गर्म रखा है, इसको तकरीबन ये देखिए टाइमर लगा दिया 180 पे, इसको रखना है हमें 20 मिनट्स, 15 मिनट्स में भी चेक कर लीजिए, एटलीस्ट 20 मिनट्स इसको चाहिए। ये मैंने ओवन में इसको रख दिया, अब इसको हम देखते हैं 20 मिनट्स। ये ओवन में ये टाइमर, ये देखिए मैंने ये 20 मिनट 180 पे बेक करने के लिए रख दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ आफ्टर 20 मिनट्स। ये 15 मिनट्स लगा है, 15 मिनट्स में 15 टू 20 होता है, बट 15 मिनट्स में ये रेडी है पास्ता। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, देखिए हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। के फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।